P20 के सफल आयोजन के बाद आप सबने P20 सम्मेलन में सहयोग किया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर P20 सम्मेलन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को मीडिया के अलग अलग माध्यम से देश में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक सकारात्मक वक्तव्य सकारात्मक चर्चा में आपका योगदान रहा, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। विशेष रूप से मैंने आज आपको धन्यवाद देने के लिए बुलाया है क्योंकि आप दो दिन तक यशोभूमि में रहे हैं और मुझे पता है कि यशोभूमि में मैं आपसे चर्चा नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी आपने यशोभूमि की चर्चाओं को, संवाद को सकारात्मक रूप से देश के सामने प्रस्तुत रखा। मैं आप सबको नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। नवरात्रा का पर्व शक्ति का पर्व होता है और विशेष रूप से हमारे देश में बहुत धार्मिक आस्था के साथ इसको मनाया जाता है। P20 सम्मेलन की एक पृष्ठभूमि जिसके बारे में मैंने कुछ पहले भी जिक्र किया था, 2018 में IPU जो इंडियन पार्लियामेंट यूनियन है उसके सहयोग से ये शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। वह अर्जेंटीना में था। उसके बाद छठा सम्मेलन जापान में, सातवां सम्मेलन इटली में, आठवां इंडोनेशिया में और नौवां सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया। मेरा जापान में, इटली में और इंडोनेशिया में मेरा तीनों P20 सम्मेलन में जाना हुआ था और मैं आज ये कह सकता हूं कि 9वें P20 सम्मेलन में सबसे ज्यादा देशों की उपस्थिति, सबसे ज्यादा प्रतिनिधियों का आना और सबसे ज्यादा लंबी चर्चा संवाद करना, ये G20 सम्मेलन की ऐतिहासिक सफलता का परिप्रेक्ष्य था कि जिस तरीके से G20 सम्मेलन में G20 देशों और आमंत्रित देशों के लीडर्स आए और उस लीडर्स समिट के अंदर सामूहिकता के डिक्लेरेशन हुआ, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं P20 में भी नजर आया कि अधिकतम देशों के वहां पर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के अलग अलग नाम हैं संसदों के, उनके अध्यक्ष आए, सीनेट के चेयरपर्सन आए, कई देशों के सीनेट के चेयरमैन और वहां के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव दोनों लोग आए, सभी देशों का विशेष रूप से सहयोग भी रहा और सहभागिता भी रही। अभी तक इस सम्मेलन में 29 देशों की भागीदारी रही, जिसमें मैंने बताया कि 48 स्पीकर, सीनेट चेयरमैन, डिप्टी स्पीकर, सीनेट के डिप्टी चेयरमैन, कुल 48 संसदों के प्रतिनिधि और 49 संसद सदस्य जो इस सिस्टम में आए और 436 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। और विशेष रूप से G20 सम्मेलन में पैन अफ्रीका को
G20 का सदस्य बनाया था, उस पेन अफ्रीकन संसद के अध्यक्ष भी इस P20 सम्मेलन में उपस्थित हुए और ये अभी तक का सबसे सफल आयोजन रखा। इसमें विशेष ये था कि इंडोनेशिया के अंदर हम सबके सामूहिक प्रयास करने के बाद भी ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं हो पाया था, क्योंकि G20 और P20 में एक परंपरा है कि सभी देशों की सहमति, इसमें बहुमत के आधार पर नहीं, सबकी सहमति G20 P20 की का उद्देश्य रहता है। और मुझे खुशी है कि इसमें ज्वाइंट डिक्लेरेशन में सबकी सहमति रही, लगातार प्रयास चलते रहे और G20 के डिक्लेरेशन के परिप्रेक्ष्य में पार्लियामेंट की ज्वाइंट डिक्लेरेशन अपने आप में सबके सहयोग से, सबकी सक्रिय भागीदारी से ये संभव हो पाया। मैं सभी देशों के प्रतिनिधियों का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने विशेष रूप से इस विषय पर लिया। G20 देशों के विषयों के बाद P20 जिन विषयों पर चर्चा की, उन चार विषयों को हमने विशेष रूप से लिया। SDG के लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त करना, उसकी प्रगति का आकलन करना, सतत ऊर्जा ट्रांजिशन, लैंगिक समानताओं में महिलाओं का विकास और नेतृत्व में भूमिका, सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन। विशेष रूप से प्री समिट में जो हमने विषय लिया वो विषय बहुत महत्वपूर्ण था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली लाइफ की अवधारणा प्रस्तुत की थी और उस लाइफ मिशन पर प्री समिट पर हमने चर्चा की और विशेष रूप से सभी देशों के पीठासीन अधिकारियों ने और वहां के रिप्रेजेंटेटिव और वहां के प्रतिनिधियों ने जिस सकारात्मक रूप से चर्चा की और अपने अपने देश के अंदर लाइफ मिशन के अंदर चलने वाली चर्चाओं संवाद को बताया, कहीं कानून बनाने का काम हुआ है, कहीं लाइफ मिशन पर उनकी संसदों में चर्चा हुई है, लेकिन सब संसदें एक मत की रही कि विषय वैश्विक विषय, सबके साझे प्रयासों से संभव हो पाएगा, सबके सहयोग से हो पाएगा, ये किसी एक देश का विषय नहीं है। इसलिए इस विषय पर सभी संसदों ने माना कि इसको जन आंदोलन बनाना चाहिए, क्योंकि संसद में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, इससे संसदों की बहुत बड़ी भूमिका रहती है और मुझे आशा है कि सभी संसद इसमें अपने अपनी संप्रभुता से जो उनके नियम प्रक्रिया होती है उस नियम प्रक्रिया के तहत चर्चा करेंगे और उस देश की भौगोलिक आर्थिक स्थितियों के अनुसार एक जन आंदोलन बनाएंगे ताकि आम जनता अपनी जीवन शैली को पर्यावरण के अनुकूल अपनाए, क्योंकि भारत जैसे इतने बड़े देश में हमने पर्यावरण के विषय को लेकर बहुत गंभीरता से लिया है और आज हम कह सकते हैं कि जलवायु पर्यावरण के विषय के अंदर भारत नेतृत्व कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी इस विषय पर एक वैश्विक दृष्टिकोण देश के सामने रख रहे हैं और संसदें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए वहाँ की जो संसदों की प्रैक्टिस है, परंपराएं, प्रपाटियां, वहाँ की चर्चा संवाद होगा उसको हम साझा करेंगे तो हम इस मिशन को एक नई दिशा दे पाएंगे। इसी तरीके से SDG के बारे में सभी माननीय पीठासीन अधिकारियों ने एक मत रखकर SDG के लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त करना और उसके लिए वहां की सरकारों से वित्तीय आवंटन और उसकी लगातार समीक्षा, जो उन्होंने संसदों ने कहा कि हम इसके लिए जो हमारी पार्लियामेंट कमिटीज होती है
उस कमेटी के अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट की कमेटी है उसमें भी चर्चा कराएंगे, इस पर पर्याप्त बजट आवंटन हो, नीतियां बने, कार्यक्रम बने, आवश्यक होने पर कानून बने, ताकि हम एसडीजी के लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए वहां के लोगों आवंटन कर सके। और मुझे आशा है कि 2030 जो लक्ष्य रखा है, कई देश उसके पहले इन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे, भारत भी उसमें से एक देश है जिन्होंने कई बंदु पर लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, और हमने पूरे देश के समकक्ष विकास के दृष्टिकोण को रखते हुए आकांक्षी जिला, जो जिले विकास में पीछे रह गए उनके आकांक्षी जिला, अब उनको तहसील उपखंड स्तर पर भी लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका एक विशेष प्रयास होगा। ऊर्जा ट्रांजिशन पर भी अलग अलग देश के लोगों ने विचार रखा, और देश के लोगों का मानना था कि हरित ऊर्जा, हाइड्रोजन, जैसे विशेष रूप से ब्राजील ने कहा कि हमने 50% लिया है, कई लोगों संसदों ने कहा हमने कानून बनाए, सिंगापुर ने कहा कि हम आने वाले समय के अंदर हमारी जितनी भी व्हीकल्स हैं उनको हम इलेक्ट्रिफाइड करने जा रहे हैं, ऐसे अलग अलग देशों ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन सब एक मत के थे कि हमें इस दिशा की ओर कार्बन उत्सर्जन को कम करना होगा, तो हमें अपने अपने संसदों में चर्चा भी करनी होगी और आवश्यक कानून भी बनाने होंगे, और उसके लिए ग्रीन ट्रांजिशन को प्राथमिकता देते हुए मुझे लगता है कि भारत ने जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और अंतर्राष्ट्रीय बायोफ्यूल जैसे गठबंधन की पहलों का सभी संसदों ने समर्थन किया, भारत ने, भारत की संसद के पीठासीन अधिकारी के नाते हमारे डिप्टी चेयरमैन साहब ने इस विषय पर भारत के पक्ष को रखा, और सबने माना कि भारत इस दिशा के अंदर, ठीक दिशा के अंदर नेतृत्व कर रहा है, दिशा में है, और इसके बेहतर परिणाम आने वाले भविष्य में दिखेंगे। लैंगिक समानता, महिला नेतृत्व, विकास के विषय पर सभी संसदों का मानना था कि हमें अपने अपने देश के अंदर सामुदायिक विकास करना है, सबका विकास करना है, तो महिलाओं को एम्पावर्ड भी बनाना पड़ेगा, समानता भी हो और विशेष रूप से नेतृत्व भी हो, और सभी संसदों ने अपने अपने स्तर पर जहां आवश्यकता हो एक कानून बनाने का काम किया है, और बहुत अच्छे सुझाव जिन जिन संसदों ने महिला, लैंगिक समानता, उनके विकास, उनके नेतृत्व पर काम किए, उन पे अलग अलग विचार सभी संसद के पीठासीन अधिकारी, सीनेट के चेयरमैनों ने रखा, एक सार्थक चर्चा हुई, और इस सार्थक चर्चा से एक बेहतर परिणाम ये निकलता है कि उनकी संसदों के अनुभव, विचार, जहां आवश्यकता कानून बनाने पर हम बेस्ट प्रैक्टिसेज को साझा करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सभी संसदें अपनी अपनी संप्रभुता होती है, और इसीलिए हर देश की भौगोलिक स्थिति अलग होती है, राजनीतिक स्थिति अलग होती है, आर्थिक स्थिति अलग होती है, लेकिन सब एक मत के थे कि हमें इस दिशा के अंदर गंभीर प्रयास करना चाहिए, और विशेष रूप से उन्होंने भारत के अंदर लोकसभा विधानसभाओं के अंदर जो रिजर्वेशन का कानून लाए, संविधान संशोधन, उसकी भी प्रशंसा की, और हमने बताया कि किस तरीके से हम गांव से लेकर, शहर से लेकर, और देश के हर लोकतांत्रिक संस्थाओं में, निर्णय में, नीतियों में, कानून बनाने में उनकी भागीदारी बढ़ी है, और निश्चित रूप से महिला नेतृत्व की दिशा के अंदर भारत तेज गति से हर क्षेत्र में बढ़ रहा, चाहे विज्ञान का हो, टेक्नोलॉजी हो, सामाजिक क्षेत्र और दिशा के अंदर काम कर रहा है। सार्वजनिक डिजिटल प्रेमिकाओं के माध्यम से जीवन परिवर्तन हो, इस विषय पर भी सभी संसद एक मत थी। सभी संसदों ने माना कि हम प्रौद्योगिक क्षेत्र में तीव्र गति के विकास को उन्होंने स्वीकारा, लेकिन उन्होंने एक चिंता व्यक्त की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के विषय पर। संसदों का मत था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, लेकिन हमें इसको सुरक्षित, विश्वसनीय और उत्तरदायी
बनाने की आवश्यकता भी है, क्योंकि डेटा को सुरक्षित रखना, विश्वसनीय हो, उत्तरदायित्व हो, इस विषय पर सभी पीठासीन अधिकारियों अध्यक्षों के इसमें मत थे कि हमें मानव अधिकारों के व्यक्तिगत डेटा सुरक्षित रखने और गोपनीय रखने के लिए विशेष कानून बनाने की आवश्यकता होनी चाहिए, और कई संसदों ने इसे कानून भी बनाए, और उनका मत था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी विकास की दृष्टि से आवश्यक है लेकिन विशेष नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका विचार था। सभी माननीय पीठासीन अधिकारी और अध्यक्ष और उनके शिष्टमंडल ने 13 तारीख को हमारे संसद भवन का दौरा किया, संविधान सदन भी देखा, संसद के नए भवन को भी देखा, और जिस तरीके से उन्होंने संसद में विविधताएं, बहुरंगी संस्कृति और संसद भवन के कम समय में बनना, उसकी सभी अध्यक्षों ने प्रशंसा की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की, और अधिकतम देशों का मानना था कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी के विचार सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। सब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे, और उन्होंने अपने भाषण के अंदर अलग अलग स्पीकरों ने महात्मा गांधी जी के विचारों का को भी अपने भाषण में उन्होंने शब्दों में कहा, और आज की परिस्थिति में मानते थे कि महात्मा गांधी के विचार प्रासंगिक है, और मुझे खुशी है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को देखकर जिस तरीके से हमारी पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट डिजिटल और पेपरलेस पार्लियामेंट है, और हमारी संसदों की क्षमता निर्माण के लिए हमारी जो अलग अलग हमारी संस्थाएं हैं, हमने प्राइड के बारे में बताया, हमने किस तरीके से दुनिया भर की संसदों को, संसद सदस्यों को कानून बनाने में, रूल्स बनाने में, और किस तरीके से हमारा संविधान के आधार पर हम संसदें चलती है, उससे बहुत प्रभावित हुए, और हमने ये तय किया कि आने वाले समय में लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के लिए भी हम एक एक्सपर्टीज का ग्रुप बनाएंगे। ये भारत के अंदर भी आवश्यकता है और विश्व के अंदर भी इसकी आवश्यकता है। पिछली बार बांग्लादेश, श्रीलंका, कई देशों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए थे, सूडान, कई देशों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए थे, अलग अलग अफ्रीकन देशों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए थे, और सभी समय समय पर सभी संसद सदस्यों को हम प्रशिक्षण का कार्य भी हमारा लगातार चलता रहता है। हमारा संयुक्त वक्तव्य जो है वह सब सहमति से जारी हुआ, जिसकी कॉपी हम मैंने आपको दिए। मुझे आशा है कि G20 के बाद P20 सम्मेलन अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक सर्वोच्च संस्था होती है, विधायी सर्वोच्च संस्था होती है। G20 में जिन उद्देश्यों को, जिन लक्ष्यों को, जिन बारों में सहमति बनी, उसमें पार्लियामेंट का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है कि उन पर चर्चाएं करना, संवाद करना, जहां आवश्यकता है कानून बनाना, नीतियां बनाना, ये पार्लियामेंट बनाएगी। इसलिए G20 के परिप्रेक्ष्य में P20 उस काम को आगे बढ़ाने का काम करेगा, नियमित करेगा, और इसके बेहतर परिणाम आएंगे। भारत के प्रति उनका जो आकर्षण था वो निश्चित रूप से भारत की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, यहाँ की डाइवर्सिटी, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राचीनतम हमारी डेमोक्रेसी के कई विषयों को रखा कि हमारी डेमोक्रेसी बहुत पुरानी है, प्राचीनतम हमारी परंपरा परपाटियों में है, और इसी तरीके से सारे विषयों को प्रधानमंत्री ने रखा। मैं इस मौके पर सभी माननीय प्रधानमंत्री जी को, उपराष्ट्रपति जी को, सबको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस P20 सम्मेलन में सहयोग किया। विशेष रूप से हमारी पूरी टीम ने, राज्यसभा लोकसभा की पूरी टीम ने सहयोग किया, विदेश मंत्रालय ने सहयोग किया, शेरपा जी ने सहयोग किया, उनको भी धन्यवाद देता हूं। P20 सम्मेलन में मेरी 13 देशों से द्विपक्षीय वार्ता भी हुई, और उन द्विपक्षीय वार्ताओं के अंदर हमने इन इश्यू के अलावा लगातार हम
किस तरीके से पार्लियामेंट डिप्लोमेसी के माध्यम से अपने अपने देश के अंदर लोगों के जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन कर सकते हैं, और किस तरीके से आम जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाएं पूरी इन डेमोक्रेसी संस्थाओं से कर सकते हैं, और सब एक मत थे कि हमें साझे प्रयासों से सबको मिलकर इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और बेस्ट प्रैक्टिस को हम आपस में अपनाएं, उनके अनुभव को लगातार साझा करते रहें, ताकि अपने अपने संसदों के माध्यम से हम देश की जनता को एक बेहतर परिणाम दे सकें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।